अपना खुद का घर होना हर किसी का एक सपना है और हर इंसान अपने करियर में एक उस मुकाम पे आता है जब उसे अपना घर बनाने का एक मौका मिलता है, खुद का घर खरीदने का एक मौका मिलता है। और वो एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो घर का जो खर्चा है, जो घर का जो प्राइस है, उसे कैसे पे करें। शुड वी डाइल्यूट अवर सेविंग्स, जो हमारे जो सेविंग्स हमने करके रखे हैं, क्या उनको तोड़ के उनको यूज करके हमें घर खरीदना चाहिए या होम लोन लेना चाहिए। जैसे ही हम लोन की बात करते हैं तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर खरीदना सेल्फ फंडिंग के थ्रू में ज्यादा होशियारी है या होम लोन लेके घर खरीदने में ज्यादा होशियारी होगी। मैं हूं श्रीकांत तापड़िया, विटामिन एम चैनल के थ्रू अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और यहां पे आपके फाइनेंस से लेके हर एक सब्जेक्ट पे हम लोग अपना वीडियो बनाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा दीजिए एंड अगले सभी वीडियो आप हमारे मतलब यू नो आप हमको आप जो भी वीडियोस आएंगे आप देख सकते हो और अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे होम लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए वहां पे टोटल चार आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं अगर आप होम लोन लेके अपना घर खरीदते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लो इंटरेस्ट रेट। आप ध्यान दीजिए, जितने भी लोन्स अवेलेबल है मार्केट में, सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट अगर किसी प्रोडक्ट में है वो है होम लोन पे। अगर आज के मार्केट ट्रेंड की देखें तो 8.5% पे एनुअल, यू नो 8.5% पे आपको होम लोन मिल जाता है। सो दिस इज द लोएस्ट यू नो ऑप्शन ऑफ बाइंग अ लोन। तो होम लोन लेना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। सेकेंड रीजन, देखिए यहां पे मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगा बिफोर आई गो टू द सेकेंड पॉइंट। लोन लेना हमारे कल्चर में नहीं है, मैं मानता हूं ये बात को, लेकिन उसकी रीजन भी अलग है। प्रीवियस जनरेशन में क्या होता था कि कोई यू नो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लोन फैसिलिटी या लेंडिंग या बोरोइंग का कोई कल्चर नहीं था उस टाइम में। मतलब यू नो अगर आप हमारे पापा या हमारे दादाजी की बात करते हैं तो उनके जमाने में क्या होता था, अगर उन्हें कोई उधार लेना होता तो वो किसी ना किसी यू नो ये जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या जो यू नो पैसे वाले लोग होते हैं उनसे सालाना 20%, 22%, 24% के ब्याज के हिसाब से ये लोग लोन लेते थे और उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता था। तो यू नो कल्चरली हमें ये सिखाया गया है कि लोन लेना ठीक नहीं है। येस ऑफकोर्स अर्लियर डेज इट वॉज नॉट द राइट थिंग, लेकिन आज लोन इंडस्ट्री इतनी रेगुलेटेड हो गई है, इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है, आपको बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट्स पे आपको बेनिफिट मिलता है, आपको लोन्स अवेलेबल है मार्केट में और जिस जो काफी रेगुलेटेड वे में है। मतलब यहाँ पे कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है, तो होम लोन लेने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैं बताने जाता हूं वो ये है कि देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम घर खरीदना चाहते हैं तो हमें एक चीज का कंसर्न रहता है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को लेके, और ये थ्रू आउट इंडिया कॉमन कंसर्न है कि डॉक्यूमेंट्स कितने यू नो ओरिजिनल है या डॉक्यूमेंट्स को लेके जो भी है कि भाई कोई कल के दिन लिटिगेशन ना आ जाए। तो जब आप बैंक से होम लोन लेते हैं तो बैंकर भी क्या करता है कि उस प्रॉपर्टी का अपने एडवोकेट्स के थ्रू सर्वे करवाता है, अपने एडवोकेट्स के थ्रू उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑफकोर्स वो बैंकर अपने लिए कर रहा है कि भाई जिस प्रॉपर्टी पे वो आपको लोन दे रहा है वो सेफ है या नहीं, वो कोई लिटिगेशन के बाहर है कि नहीं चेक करते हैं। तो इससे हमें एक सेकेंड ओपिनियन मिल जाती है जिसमें ये क्लैरिटी आ जाती है कि हमारे जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है वो परफेक्ट है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 पे, टैक्स बेनिफिट्स। एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल बेनिफिट है होम लोन पे, तो इसलिए आपको होम लोन लेना जरूरी है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि होम लोन पे आपको टैक्स बेनिफिट है। मैं आपको फिर से एक बार कंफर्म कर देता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जहां आपको टैक्स के बेनिफिट मिलेंगे होम लोन पे। अंडर सेक्शन 80C, जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, रीपेमेंट करते हैं ईएमआई के थ्रू, उस पे आपको अप टू 1.5 लाख रुपीज तक का टैक्स बेनिफिट है। ऑफ कोर्स 80C में और भी प्रोडक्ट्स आते हैं तो आपको देखना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट,
अप टू 2 लाख रुपीज आप जो इंटरेस्ट भर रहे हैं होम लोन पे, उस पे भी आपको बेनिफिट मिलता है, आपको टैक्स रिबेट मिलता है। एक और क्लॉज है जो जनरली लोगों को पता नहीं है, अंडर सेक्शन 80EE में अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं थ्रू होम लोन, तो आपको जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसमें 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा रिबेट मिलता है। सो इन अ नटशेल अगर आप देखो तो होम लोन लेके अगर आप घर खरीदोगे तो टोटली 4 लाख रुपए तक का आप बेनिफिट उठा सकते हो, ओके, इन द टैक्सेशन पार्ट। सो इट्स अ ब्यूटिफुल आइडिया, यू शुड गो फॉर अ होम लोन। एक और पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, कई लोगों को ये चिंता सताती है कि यार होम लोन इज अ बिग अमाउंट लोन एंड इट्स अ लॉन्गर टेन्योर कमिटमेंट। तो आप बात को समझिए कि यहां पे आप क्या कर सकते हो, होम लोन के अगेंस्ट पे एक इंश्योरेंस ले सकते हो। खुदा ना खासा कुछ गलत हो जाए बोरोवर की लाइफ को लेके, तो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को कोई भी तरीके की फाइनेंशियल तकलीफ नहीं आती है, तो उसके लिए होम लोन के अगेंस्ट में इंश्योरेंस भी होता है, आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो जो डर सताता है कि यार अगले 15 साल 20 साल तक जो लोन का टेन्योर है, उस बीच अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या होगा, तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। एक और पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूं, अगर आप और आपके स्पाउस, अगर आप और आपके फैमिली यू नो पार्टनर दोनों अर्निंग मेंबर है, तो दोनों मिलके जो जॉइंट लोन लेते हैं होम लोन, उसमें और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो मैंने टैक्स बेनिफिट्स बताए थे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों उन टैक्स बेनिफिट का इंडिविजुअल लेवल पे उसका फायदा ले सकते हो। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है जहां पे हम अगर समराइज करना चाहें तो अपना घर जब आप खरीद रहे हो तो हो सके जितना सेविंग्स को बचाइए, उनको ब्रेक करके होम लोन ले, मतलब यू नो घर खरीदने में कोई होशियारी नहीं है, क्योंकि वो लिक्विड अमाउंट आपको हमेशा लगते रहेगा, रिनोवेशन के लिए लगेगा, फर्नीचर्स के लिए लगेगा, और भी बहुत सारे उनके अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपने वो सेविंग की हुई है। तो घर खरीदते समय होम लोन के थ्रू जाइए, आपको ज्यादा फायदा होगा। और हमारे वीडियो पे बने, हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको और भी फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।